हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट के डिब्बे। तो देखिए, आज बनाने जा रहे हैं दाल की कचौरी। तो ये मूंग की दाल की कचौरी बनाइए और ये हरी चटनी और इमली की चटनी। तो चटनी का भी आपको वीडियो देखना है तो मैं लिंक डाल देती हूँ। और ये देखिए, एकदम फुली फुली आप मार्केट जैसे कचौरी बनाना चाहते हो तो इनके लिए चलिए देख लेते हैं सामान। तो इनके लिए ये देखिए, मैंने जिस कप में मैंने मैदा डाल के रख रखा है उसी कप से मैंने 1.5 कप इसके अंदर मैदा लिया है। जैसे 1/2 कप मैंने पहले बाउल के अंदर डाल दिया और 1 कप ये भर के रख रखा है। तो टोटल 1.5 कप मैदा लिया है। तो इनके लिए देख लेते हैं दाल। तो ये दाल देखिए, मैंने घर का जैसे मूंग होते हैं घर की दाल, उसको ही भिगो के धो के रखी है। तो ये 1/2 कटोरी दाल भिगो के रखी, उनसे देखिए फूल की ये डबल हो जाती है। तो ये 1 कटोरी हो गई है। तो इनको मैंने दाल को धो की और इसका पानी निकाल के ले लेना है आपको। तो पानी निकाल के मैंने ले लिया इसको। और ये देख लेते हैं मसाले। तो ये देखिए, 1 छोटी चम्मच इसके अंदर काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटी चम्मच चीनी पाउडर और 5 मेथी कस्तूरी मेथी। और ये जैसे मोटा जैसे धनिया होता है धनिया बीज, तो धनिया को दरदरा सा कूट के ये ले लिए। और ये सौंफ, अजवाइन और 4 चम्मच बेसन और ये 5-7 काली मिर्च उसको दरदरी कूट की ये ले लिए। और इसके अंदर लिए 2 चुटकी हींग। तो हींग का देखिए बहुत ही अच्छा कचौरी के अंदर फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी लगती है हींग से। तो हींग को थोड़ा सा पानी डाल के और इसको रख देते हैं साइड के। तो हींग को साइड में रख दिया। और चलिए मैदा को देख लेते हैं, मैदे को लगा लेते हैं आटा। तो पहले डो लगा के तैयारी कर लेते हैं कचौरी का। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने खूब सारा जैसे 2 बड़े चम्मच इसके अंदर देसी घी लिया, घी को मेल्ट कर लिया। और अब इसके अंदर डाल देते हैं अजवाइन। तो अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अजवाइन आप आपके हिसाब से डालिए, मैंने थोड़ी ज़्यादा ही अजवाइन इसके अंदर डाली है। तो इसके अंदर अजवाइन डाल दिए और अब डाल देते हैं इसके अंदर नमक। तो 1/2 चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया। अब इसके अंदर डाल देती हूँ घी। तो घी देखिए, देसी घी को मेल्ट करके और खूब सारा इसके अंदर 2 बड़े चम्मच घी डाला है इसके अंदर। और घी डाल के और अच्छे से इसको हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको मिक्स करना है। और ऐसे आप जैसे बांध के देख लीजिए, जैसे मुट्ठी बंध रही है, तो ये मोइन इसके अंदर परफेक्ट है। तो ऐसा आपको मोइन लगा के तैयारी करना है। तो मोइन अच्छे से आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छी ये कुरकुरी आपकी कचौरी बनकी और एकदम फुली फुली कचौरी बनकी तैयारी होगी। तो चलिए, अभी 1 कप पानी ले लिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका डो लगा के तैयारी कर लेते हैं। तो डो देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है, तो बहुत ज़्यादा आपको मुलायम भी नहीं लगाना है। तो चलिए डो लगा लिए। 1/2 कप इसके अंदर पानी लगा डो के अंदर और डो को रख देते हैं साइड के अंदर। तब तक बना लेते हैं मसाला। तो 15-20 मिनट आप पहले आटे को लगा के रख दीजिए। और अब ये देखिए, दाल डाल देती हूँ एक मिक्सी के जार के अंदर। तो हल्की सी आपको जैसे 1 या 2 आप गिनो, इतनी देर आपको मिक्सी को चलानी है। तो ये देखिए, मैंने चला लिए, बिल्कुल भी आपको इसको पीसना नहीं है, हल्की सी बस चलानी है। तो ये हल्की सी दरदरी सी ये दाल बन के तैयारी हो जाएगी। तो ये एक पैन ले लिया, इसके अंदर डाल दिया मैंने 2 चम्मच तेल। तो कोई भी आप तेल जैसे आप लेते हो किचन में काम है वो आप डाल सकते हैं, या आप घी से भी बना सकते हैं। तो 2 चम्मच घी तेल डाल दिया इसके अंदर। अब मसाला डाल दे। तो देखिए, जीरा, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, धनिया और सौंफ, तीनों मसालों को डाल के और हल्का सा इसको मिक्स कर देते हैं। तो हल्का सा ये भून लेते हैं, जैसे 1 मिनट इसको रोस्ट कर लेते हैं तेल के अंदर। तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और ये कचौरी बना के आप 4-5 दिन तक 5-7 दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये ले लिए देखिए, चम्मच से जैसे आप खाना खाते हो उसी चम्मच से 4 चम्मच बेसन। तो बेसन को डाल देते हैं और बेसन को डाल के भी 1 मिनट अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए, अब इसके अंदर डाल देते हैं बेसन। डाल के अच्छे से आपको मिक्स करना है और गैस की फ्लेम को आपको लो या मीडियम में रखना है। और फिर इसके अंदर डाल देते हैं मसाला। तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये देखिए 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच डाला है मिर्च। आप जैसे मसाला खाते हो उस हिसाब से डालिए। तो 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच डाल देती हूँ इसके अंदर नमक,
नमक भी आप स्वाद के हिसाब से डालिए, जैसे कई कम भी खाते ज़्यादा भी खाते। एक छोटी चम्मच गरम मसाला, और गरम मसाला और थोड़ा सा आप डाल दीजिए चाट मसाला, और कस्तूरी मेथी एक चम्मच इसके अंदर डाल दिया मैंने कस्तूरी मेथी। तो ये एक चम्मच देखिए मैंने गरम मसाला लिया, उसमें से हाफ आधी चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच गरम मसाला दोनों को मिक्स करके एक चम्मच डाला, और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके अब इसके अंदर दाल डाल दिए। और दाल डाल के आपको 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पे आपको पका लेना है, तेज आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है आपको, लो या मीडियम फ्लेम भी रखे। तो 2-3 मिनट देखिए मैंने अच्छे से पका लिया, अच्छे से इसके अंदर खुशबू आने लग गई है। अब इसके अंदर डाल देती हूँ 2 छोटी चम्मच चीनी का पाउडर, और 1 चम्मच डाल दिया इसके अंदर आमचूर पाउडर, और 5-7 जैसे काली मिर्च उसको दरदरा कूट की ये काली मिर्च डाल दी इसके अंदर। तो सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और आपको थोड़ा मीठा खाना पसंद नहीं है तो चीनी को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चीनी से क्या कि बहुत ही अच्छी एक जैसे खट्टी मीठी बहुत ही अच्छी कचौरी बन की तैयारी होती है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो चलिए मसाला बन की तैयारी हो गया, मसाले को एक प्लेट के अंदर निकाल दिया, और अब देख लेते हैं आटे को। तो हल्का सा चिकना हाथ कर लिया, हाथ में कोई घी या तेल ले लीजिए, और फिर अच्छे से आटे को आपको 5-7 मिनट इसी तरीके से आपको मसलना है। तो अच्छे से आटे को मसल के और चिकना कर लेना है, और फिर आप को एक बराबर कोई भी आप चकला या पाटा लेके और इसको बराबर लोई में कट करके तैयारी कर लेना है, या ऐसे भी आप जैसे कचौरी बनाते हो उस हिसाब से आप बड़ी या छोटी बना सकते हैं। तो ये देखिए बराबर लोई इसको कट करके तैयारी कर लिए, और कचौरी आपको पसंद है उस हिसाब से देखिए आप छोटी या बड़ी भी बना सकते हैं। तो अब बना लेते हैं ये मसाला। तो मसाले की भी छोटे छोटे आप जितनी बड़ी कचौरी का आटा लिए उस हिसाब से आप बॉल्स बना के और रख लीजिए। तो इसको देखिए बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, जैसे हल्के हाथों से आपको बॉल्स बना के और रख लेते हैं। तो ये देखिए मसाले की भी सारी बॉल्स बना के और इन्हें साइड में रख लिए, और अब ले लेते हैं एक आटा। तो ये देखिए एक आटा ले लिया, और इसको गोल एकदम जैसे कटोरी जैसे आपको बना के तैयारी कर लेनी है। तो इसको बीच में से पतला नहीं करना है, जैसे साइडों में से इसको पतला करना है। जैसे आप बीच में से पतला करोगे तो ऊपर से मसाला डालोगे तो ये बीच में से खुलने का चांस रहता है, तो आपको बीच में से बिल्कुल नहीं करना पतला। और ये देखिए जैसे अंगुली और अंगूठे के बीच में आप ऐसे करके और इसको ऊपर रख लेना है, और फिर ऊपर से आपको जैसे मसाले की बॉल्स को हल्के हल्के हाथों से आपको नीचे दबानी है। तो ये एक तो तरीका ये एक ये है कि आप चारों ओर तरफ जैसे हल्के से अंगुली से पानी लगा के और फिर भी आप इसको बंद कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप बिना पानी के बगैर पानी बगैर भी आप बंद कर सकते हैं, और पानी लगा के भी आप बंद कर सकते हैं। पर आपको ऐसे अच्छी तरीके से आपको यही एक ट्रिप अपनाना है कि ये बिल्कुल भी खुलनी नहीं चाहिए, जैसे तेल के अंदर जाके खुलनी नहीं चाहिए, अच्छे से आपको बंद करना है। तो ऊपर जैसे देखिए एक्स्ट्रा आटा निकला हल्का सा, वो आटा मैंने हटा दिया, और अच्छे से इसको ऐसे बंद करके और आपको गोल घुमा लेनी है। तो दोनों हथेलियों के बीच में अच्छे से आपको गोल घुमा के और हल्के से ऊपर से आपको दबा देना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है, और ये बिल्कुल भी ऐसे डर नहीं रहेगा कि ये जैसे तेल में जाके खुल जाएगी। हथेलियों से आपको हल्का हल्का इसको दबा देना है, बहुत ज़्यादा आपको जोर लगा के नहीं दबाना है, आपको हल्के हल्के हाथों से आपको दबा के रख देना है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने सारी कचौरियों को तैयारी कर ली है मसाला पर की, और इधर देखिए मैंने पहले तेल को गर्म रख दिया, तो तेल अच्छा गर्म हो गया, और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो थोड़ा सा आटा डाल के मैंने पहले देख लिया कि तेल गर्म है, तो तेल गर्म है, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो देखिए तेल गर्म है, अब इसके अंदर डाल देती हूँ कचौरी। तो इसके एक बार में जितनी कचौरी आई उतनी आप कचौरी डाल सकते हैं। तो लो या मीडियम फ्लेम पे आपको कचौरी को पका के तैयारी करना है, तेज आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है कचौरी को। और कचौरी को तब तक आपको पकाना है कि गोल्डन कलर अच्छा सा इसका आ जाए, तब तक आपको कचौरी को पका के तैयारी करना है। तो चलिए इसी तरीके से आप एक बार कचौरी बना के ज़रूर देखिए, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी कचौरी कैसी बनी है। एकदम फूली फूली ये देखिए कितनी अच्छी फूली है ये कचौरी, और जैसे ही ये कचौरी फूलती है तो एक साइड से अपने आप जैसे पता चल जाता है कि एक साइड से हल्की सी ऐसी पक की तैयारी हो गई, तब आपको दूसरी साइड से पलट देना है। पहले आपको डालते ही बिल्कुल इसको टच नहीं करना है,
ना इसको पलटना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हल्की सी एक साइड से गोल्डन कलर आ जाता है तब आपको पलट देना है, फिर आपको दोनों साइड से अच्छा गोल्डन कलर आने तक आपको पका लेना है। तो इसी तरह से देखिए मैं सारी कचौरी बना के तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए एक बार में मैंने 3 कचौरी डाली, पर इसके अंदर 4 या 5 भी आ सकते हैं। तो जितने आए उतने आप कचौरी आप डाल सकते हैं। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया, बहुत ही प्यारा इसके कलर आया, बहुत ही अच्छा कलर आया। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारी कचौरी बना के तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सारी कचौरी बना के तैयारी कर लिया, बहुत ही अच्छी कचौरी बनी है, एकदम फूली फूली कचौरी बन के तैयारी हुई है। और इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ जैसे आपको पसंद है वैसे आप कचौरी खा सकते हैं। तो चलिए ऐसे आप एक बार कचौरी बना के ज़रूर देखिए और इसका कलर देखिए कितना प्यारा है। तो ऐसे आप कचौरी बना के और स्टोर करके भी रख सकते हैं, 5-7 दिन के लिए भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये कचौरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए मैं आप एक कचौरी आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी ये कचौरी बनी है। बहुत ही गर्म है अभी, तो अभी मैंने निकाली है तो फिर भी देखिए हाथ एकदम से गर्म हो रहा है, बहुत ही गर्म है। तो अंदर से देखिए इसका मसाला देखिए और एकदम फूली फूली ये कचौरी बनके तैयारी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लाइक देते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।